सबको पता है मैं क्लास फोर्थ की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो फिर ये वाला ए पार्ट का आंसर, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया। आज हम करने जा रहे हैं बी पार्ट, आंसर इन डिटेल्स। इट्स लकी यू हैव मी एज अ योर कैप्टन। ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला था, यानी कि क्या आप लोगों को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं आप लोगों का कैप्टन हूँ। हु सेड दिस वर्ड, ये जो वर्ड है ये किसने बोला था और किसको बोला था। जैसे मैंने सेम यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने। कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर सेड दिस वर्ड्स टू हिज क्रू मेंबर, जो कैप्टन था उसने बोला था किसे, अपने क्रू मेंबर्स को। और बी पार्ट वाला, व्हाई डज दिस स्पीकर से डेड, ये जो कैप्टन था ये उसने ये वर्ड क्यों बोला था। अब ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है ये इसी सेंटेंस के रिलेटेड है, ठीक है। ये जो कैप्टन था इसने ये सेंटेंस क्यों बोला था। द स्पीकर सेड दैट टू बिल्ड मोर ट्रस्ट इन हिज मैन टुवर्ड्स हिमसेल्फ, वो चाहता था कि वो क्या अपने लोगों के विश्वास को जीते। और थर्ड पर, डू यू थिंक द लिसनर एग्री विद द स्पीकर, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या आप लोग समझते हैं जो वो सुनने वाला यानी कि जो क्रू मेंबर और जो जींस था, क्या वो स्पीकर के यानी कि इस कैप्टन की बात से एग्री करता था। द क्रू मेंबर प्रोबेबली एग्री विद हिम, जो उसके साथियां थे क्रू मेंबर थे वो क्या एग्री करते थे। क्यों, दे ऑल सीम्स चीयरफुल एंड एक्साइटेड आफ्टर हिज स्पीच, क्योंकि वो सारे क्या खुश दिखाई दे रहे थे जब जो वो कैप्टन था उसने ये वर्ड बोला था, ठीक है। ये जब सेंटेंस बोला था तब जितने भी क्रू मेंबर थे वो लोग खुश लग रहे थे। बट हाउएवर जिम्स डिडंट एग्री, लेकिन जो जिम्स था वो उस कैप्टन के बाद से एग्री नहीं था। क्यों, बिकॉज ही हर्ड सिल्वर्स प्लान, क्योंकि उसने सुन लिया था क्या जो सिल्वर का प्लान था वो, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन, अफेयर ऑफ दिस आई कुड हार्डली कीप अप विद दिस ट्रेजर, और इसी डर से क्या मैं उनके साथ ट्रेजर के लिए ट्रेजर हंट पे चला गया। हुम डज आई रिफर टू हियर, यहाँ पे आई किसको रिफर करता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब फिर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लिखने फिर ये आंसर लिखने, इस बार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ए पार्ट का क्वेश्चन आएगा फिर यहाँ पे इसका ये आंसर। द आई रिफर्स टू जिम हॉकिंस, ये जो आई रिफर करता है किसको, जिम हॉकिंस को। अब बी पार्ट का क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पीकर अफेयर ऑफ, जो वो स्पीकर था वो क्यों डर रहा था, ठीक है। जिम्स नोटिस सिल्वर एक्साइटमेंट एट बीइंग क्लोज टू डिस्कवरिंग द ट्रेजर, जिम्स ने क्या देखा जो वो सिल्वर था उसकी खुशी जब वो खजाने के नजदीक नजदीक पहुंच रहा था, और वो जानता था क्या सिल्वर का प्लान, ठीक है, टू गेट द ट्रेजर एंड किल हिज क्रू मेंबर, दिस मेड हिम स्कैर्ड, उस इसी की वजह से उसे डर लगा। क्यों, क्योंकि उसे पता था, उसने पहले वो प्लान सुन लिया था कि जो उसके पास खजाना आएगा वो उसके हर साथी को क्या मार देगा, और सारे खजाने को किसको, कैप्टन को, मतलब वो उसे खुद ही रख लेगा। इसी की वजह से जो क्या डर रहा था, ठीक है, बी पार्ट वाले का। अब तीसरा, हु वर द अदर ट्रेजर हंटर, दूसरे जो ट्रेजर हंटर थे वो कौन थे। द अदर ट्रेजर हंटर्स वर द क्रू मेंबर, जो दूसरे ट्रेजर हंटर्स थे वो कौन थे, क्रू मेंबर ऑफ द हिस्पोलोनिया, जो उस शिप पे थे, ठीक है, जो उनके साथ थे, यानी कि किसके साथ, कैप्टन और जेम्स के साथ था। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज जेम्स हॉकिंस, जेम्स हॉकिंस कैसा इंसान था। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, आप लोगों को क्या इसको सपोर्ट करना है क्या जो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जेम्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जेम्स का क्या इस स्टोरी में क्या था, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के हिसाब से दिखाया गया था। ही वाज अ यंग बॉय, वो क्या था, एक जवान लड़का था। हु हैज बिकम पार्ट ऑफ दिस गैंग, क्या वो उस गैंग का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। क्यों, बिकॉज ही हैड अ ट्रेजर मैप, क्योंकि उसके पास खजाने का मैप था। That is the reason he stick with such people. इसी वजह से क्या वो उस उन लोगों के साथी बन गया, ठीक है।
ये आप लोगों को ऐसे लिखना है, पहले ये वाला लिखना है, फिर ये लिखना है, इसके बाद यहाँ पे आंसर्स लिखने, फिर यहाँ पे आंसर्स, फिर यहाँ पे आंसर, सेम आंसर आंसर आंसर, ठीक है ना? आंसर वाला हम कल करेंगे, ठीक है? और आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पे लिख के याद भी कर लेना। थैंक यू।